हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 3 नवंबर, ठीक है। 3 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेशन, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग करंट जो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि वर्तमान में आपके बीच में जो मुद्दे यहाँ पे उठ के आते हैं, वो क्वेश्चन आपके यहीं से बन के आते हैं, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो आपके हर एग्ज़ाम में कंपलसरी होता है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम के आप जो है क्वेश्चन पेपर जो है पिछले खुद से जो है एनालिसिस करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड जो है वेगन डे, ठीक है, हाल ही में वीगन डे जो है 2024 को कब मनाया गया था। 1 नवंबर, ठीक है। 1 नवंबर को पूरा वर्ल्ड भर, पूरा विश्व भर में ये जिसको वर्ल्ड वेगन डे इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये दुनिया भर में सभी शाकाहारी लोगों के द्वारा लोगों को जो है शाकाहारी जीवन शैली को पालन करने, लोगों को जागरूक करने, ठीक है, पौधों के आधार पर भोजन करने के उद्देश्य, ठीक, मतलब एक तरह से जो है, ठीक है, जो है शाकाहारी जो मतलब जो है जीव जंतु या जो हम मनुष्य होते हैं, ठीक है, शाकाहारी को जो है मतलब किसी भी जीव जंतु को मतलब बहुत सारे जो है यहाँ पर जो है नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो इसके जो है लोगों को जो है जागरूक करने के उद्देश्य से इसको जो है प्रतिवर्ष 1 नवंबर को जो है विश्व शाकाहारी दिवस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। शाकाहारी को एकजुट या और लोगों को जो है, ठीक है, व्यक्ति, पशु और पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसको मनाई जाती है। और शाकाहारी जो है जीवन शैली को बढ़ावा देने, सम्मान देने के लिए पूरा दुनिया भर में विश्व जो है ये शाकाहारी दिवस इसको मनाते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश में धार्मिक त्यौहार काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है? तो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या इनमें से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। ढाका इसकी राजधानी है, ठीक है, ये जो है पड़ोसी हमारा कंट्री है। ये जो है धार्मिक जो त्यौहार है, ठीक है, बांग्लादेश और ये जो माता काली है, एक तो हमारे बंगाल कोलकाता में बहुत फेमस है और दूसरा आपका जो है बंगाल में, ठीक है। यहाँ पर जो जो है यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे जो लगा हुआ है सब मतलब जो है, ठीक है, सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है बहुत सारे रीति रिवाज बोलचाल की भाषा यहाँ पे मिलती जुलती है, ठीक। तो बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय के एक धार्मिक त्यौहार है काली पूजा, जहाँ पे वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कोलकाता में, और दूसरा आपका बांग्लादेश में बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। ये काली पूजा या इसको श्यामा पूजा यहाँ पे जो है कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों मतलब जो देवता को ये जो मनाई जा रही है पूरे देश में, जो ये पूरा पवित्र उत्साह श्रद्धा के साथ यहाँ के लोगों के द्वारा, ठीक, ये जो है हिंदू समुदाय, ठीक है, ये हिंदू समुदाय के द्वारा इसको मनाई जाती है धूमधाम से। माता जो है देवी काली की जो है पूजा वगैरह यहाँ पे किया जाता है, ठीक है जी। तो बुजुर्गों की याद में, ठीक है, अपने घरों मंदिर वगैरह शमशान घाटों मिट्टी के दिए वगैरह यहाँ पे जो है जलाई जाती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रख जो है पूरे श्रद्धा भाव के उत्साह के साथ इसको धूमधाम से मनाई जाती है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा सचिव का पदभार जो है ग्रहण किया है? तो हाल ही में रक्षा सचिव का जो पदभार किसने ग्रहण किया है? तो आपके राजेश कुमार जोशी हैं, ठीक है, इन्होंने जो है 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर को इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली के जो है साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव का इन्होंने पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, ठीक है। ये जो है केरल कैडर के जो है एक जो है 1989 बैच के जो है IAS अधिकारी हैं, ठीक है, तो इन्होंने रक्षा सचिव के जो है पदभार के रूप में इन्होंने जो ग्रहण यहाँ पे किया है। तो इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में किसने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया? तो अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने हाल ही में जो है अहमदाबाद के, ठीक है, पिराना में जो है अहमदाबाद के जो ये शहर के जो जगह है पिराना, यहाँ पे जो है गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। और इसका जो है शुभारंभ या इसका उद्घाटन अमित शाह द्वारा ये किया गया। लगभग इसकी बजट देखेंगे 375 करोड़, ठीक है, 375 करोड़ रुपये की लागत से जो इस संयंत्र की कुल क्षमता देखेंगे लगभग 15 मेगावाट, ठीक है, 15 मेगावाट है। इस संयंत्र में बिजली बनाने के लिए जो है ठोस कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा। जो हम कचरा जो उपयोग करते हैं खास करके शहरी मामलों में देखेंगे, शहरों में, ठीक है, जो वेस्ट कचरा उसको जो है इसको उपयोग करके रिसाइकिलिंग वगैरह करके इससे जो है बिजली उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। तो यही ये जो शुभारंभ है अमित शाह ने यहाँ पे गुजरात में यहाँ पे किया गया है, तो एक तरह का अच्छी चीज़ भी है, ठीक है, इसको जो है हर जगह इसको लागू भी करनी चाहिए। हाल ही में विवेक ओबराय का, ठीक है, विवेक देव राय का निधन हुए, कौन थे? लेखक, पत्रकार, अर्थशास्त्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर ये जो है एक अर्थशास्त्री के साथ साथ ये जो है एक पेशे से लेखक भी थे, ठीक है। इनका हाल ही में जो है ओल्ड एज के वजह से इनका डेथ हो गया है, ठीक है। इन्होंने जो हिंदी, भोजपुरी, कई भाषा में जो है
जो है रचना किए हैं, लेखक हैं और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। ठीक है, इस बहुत सारे कविता वगैरह यहाँ पे रचना इनके द्वारा किया गया है, तो इसको आपको याद रखें। इन्होंने हाल ही में जो है, ठीक है, मतलब इनका जो है ओल्ड एज की वजह से इनका जो है डेथ हो गई। आर्थिक सलाहकार जो है रहे भी हैं। हाल में किस राज्य का जो दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन के लिए तैयार है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जिसकी शिमला इसकी राजधानी है। सुखविंदर सुक्खू अभी कांग्रेस पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, इन्होंने सुक्खू जी ने इसकी जानकारी बताई है। ठीक है, तो ये प्रमाणन की इसने घोषणा है, मतलब इस तरह का जो है चिड़ियाघर जो है कांगड़ा के यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे जो है देहरा विधान क्षेत्र में, यहाँ पे जो है बनखंडी क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पे जो है ये दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर का जो है प्रमाणन के लिए तैयार है। तो ये जो चिड़ियाघर है दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर, इसको हाल ही में जो है भारतीय हरित भवन जो परिषद, जिसको IGBC बोलते हैं, ठीक, इससे प्रमाण पत्र जो है भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर होगा जो है इसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा संरक्षण के लिए चिड़ियों के लिए। ठीक है, इस प्रयास से जो इसको जो है टिकाऊ और पर्यावरण और अनुकूल यहाँ पे व्यवस्था चिड़ियाघर में देने के उद्देश्य से इसको जो है प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है और इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक, पारिस्थितिक संतुलन पर जोर देना है, पर्यावरण पे, और जो चिड़ियाघर को जो है, ठीक है, ये जो है विलुप्त के कगारी पे है चिड़िया वगैरह यहाँ पे, इसी संरक्षण के ये जो इस क्षेत्र में काम करने के उद्देश्य इसको जो है प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो वज्र प्रहार जो अभ्यास है, ठीक है, मतलब जैसे भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, ये जो है सेनाओं के बीच, ठीक, भारत अमेरिका के बीच ये वज्र प्रहार कौन कौन से देश के बीच अभ्यास किया जाता है? तो आपका अमेरिका और आपका भारत दोनों देश के बीच, जैसे संप्रति बांग्लादेश भारत के बीच, ठीक है, सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत के बीच, इस तरह आपको जो है पता होना चाहिए कि जो वज्र प्रहार है कौन कौन से देश के अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, तो हाल में जो 15 संस्करण जो है अमेरिका भारत के बीच किया गया है, ठीक है, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास है और दोनों के बीच का जो है मतलब कि एक तरह का जो सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना, अलग अलग इनको जो है प्रशिक्षण तकनीकी से जो है बताई जाती है सुरक्षा को लेकर। ठीक है, ये 2 से 22 नवंबर तक, ठीक है, यहाँ पे जो है अमेरिका में यहाँ पे जो है आज इसका जो है किया गया। अभी बात करो अमेरिका के, ठीक है, ये कंट्री अभी जो है इसकी राजधानी Washington DC है। अभी जो बाइडेन इसके मतलब जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है और कमला हैरिस अभी जो है उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, हमारे भारतीय मूल के हैं। हाल ही में कहाँ जो है बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ किया गया है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में 1 नवंबर को, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ईटानगर इसकी राजधानी है और पेमा खांडू अभी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बटरफ्लाई पार्क का जो है शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक पर्यटन की दिशा में एक महत्व जो एक पहल है, ठीक है, जिसमें जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो है मतलब 1 नवंबर को, ठीक है, इन्होंने जो है, ठीक है, ये जो है बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया, जिसमें पर्यटन तो डेवलप होगा साथ साथ यहाँ पे जो पर्यटक यहाँ पे आए गए रोजगार के जो है समस्या ये जो है मतलब जो है इससे यहाँ पे जो है फायदा होगा। और अरुणाचल प्रदेश के जो है केसांग जिला, ठीक है, केसांग जिला यहाँ पे जो है ये पक्के टाइगर रिजर्व में एक तितली पार्क का जो उद्घाटन यहाँ पे किया गया ताकि जो पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, रोजगार पैदा हो। ठीक है, इस तरह जो है बटरफ्लाई पार्क के संरक्षण के उद्देश्य से ये जो है जो प्रकृति प्रेमी है पर्यटक दोनों को जो है आकर्षित में जो है बहुत जो है काम है, इसी उद्देश्य से जो है डेवलप किया जा रहा है, इसको आपको याद रखना है। हाल ही में IAS अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो झारखंड के, ठीक है, तो हाल ही में जो है जो IAS ऑफिसर है अलका तिवारी, इनको जो है झारखंड के मुख्य सचिव इनको नियुक्त किया गया। ठीक है जी, और मैं झारखंड की बात करूँ, रांची इसकी राजधानी है और जो है अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो अभी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में ड्यूमा बोको को किस देश के 6वें क्रम के राष्ट्रपति घोषित किया है? नामीबिया, बोत्सवाना, इथोपिया या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे मैं बात करूँ बोत्सवाना का, ठीक है, ये कंट्री अफ्रीका के अंतर्गत ये कंट्री आती है। यहीं के जो ड्यूमा बोको, याद रखिएगा, तो ड्यूमा बोको को जो है यहाँ के जो है 6वें क्रम के राष्ट्रपति इनको बनाया गया। कहाँ के? बोत्सवाना के, जो कंट्री अफ्रीका में आते हैं, एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ की कैपिटल के, गैबरोन करके यहाँ के जो है लार्जेस्ट सिटी भी है और यहाँ की राजधानी भी है। ठीक है, इसको इंग्लिश यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो उसी तरह ये यहाँ के जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है डीमा बोको को, फिर से इनको जो है प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है, तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि
इस टाइप के जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हाल ही में भारत का पहला एनालॉग ठीक एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ जो है लॉन्च किया गया था, आपके लद्दाख के लेह में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे मैं कई बार बताया हूँ मेरे सेशन में, प्रथम पहला इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया जाएगा, तो आपके लद्दाख के लेह में, जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये जो मिशन है ठीक है, ये जो एनालॉग स्पेस जो मिशन है, ये किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो इसरो के द्वारा। इसरो क्या चीज़ है, तो भारत की स्पेस एजेंसी है ठीक है, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं ठीक है। तो इसरो ने लेह लद्दाख में ये भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ठीक इसकी जानकारी भी दी है। और ये भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया, जो देश के अंतरिक्ष के ठीक है, मतलब खोज रिसर्च है इस क्षेत्र में जो है काम करने के उद्देश्य इस पर जो है अंतरिक्ष मिशन से संबंधित जो है लॉन्च किया गया ठीक है लेह में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को जो है मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेश उत्प्रेरक विकसित किया, तो आपके NTPC के द्वारा। तो NTPC आप सभी जानते हैं ठीक है, ये जो है आपका इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में काम करते हैं। NTPC ने जब भारतीय पेट्रोलियम जो संस्थान साथ मिलकर ठीक है जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेश उत्प्रेरक विकसित किया गया है ठीक है NTPC के द्वारा ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के साथ मिलकर जो है काम किया, जिसमें जीवाश्म ईंधन से चलने वाले बिजली संयंत्रों को ठीक है, आप सभी को पता होगा जो है जीवाश्म ईंधन से चलने वाले बिजली संयंत्रों से निकलने वाले जो फ्लू गैस है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, जिससे अब मेथेनॉल में बदलने के लिए एक जो है उत्प्रेरक बनाया जाएगा। अब मेथेनॉल की शुद्धता का स्तर जो है लगभग 99% ठीक है, मेथेनॉल की शुद्धता 99% से अधिक है। इसी यह विकास जो है CO2 समन की महत्वपूर्ण चुनौती के जो है समाधान करता है ठीक है जी, मतलब जो इन्वायरमेंट को देखते हुए जो है इन्वायरमेंट ज़्यादा प्रदूषण मत हो, इसी उद्देश्य से जो है यहाँ पे जो है काम किया जा रहा है ठीक है जी। NTPC सभी जानते हैं जो है मतलब बिजली के क्षेत्र में जो है काम करती है, तो बिजली जो संयंत्र होते हैं ठीक है, जहाँ से निकलने वाली गैस का उपयोग जो है मेथेनॉल बनाने के लिए जो है इसे विकसित किया जा रहा है, ताकि जो इन्वायरमेंट साफ और स्वस्थ रहे ठीक है जी। तो इसको आपको जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यहाँ पे इसमें कमी आएगी ठीक है जी, तो इसीलिए यहाँ पे जो है काम कर रही है। चलिए थोड़ा NTPC की मैं बात करता हूँ ठीक है। NTPC की अगर मैं बात करूँ तो NTPC इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे ठीक है, जिसको हम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं ठीक है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में काम करती है जो है, और इसकी स्थापना जो 1975 में इसके जो स्थापना किया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, गुरदीप सिंह जी इसके चेयरमैन और MD है, इसको आपको याद रखना है। और NTPC कई क्षेत्रों में काम करती है। हाल ही में किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हार्सोंग 19 का सफल परीक्षण किया है, तो आपका उत्तर कोरिया का, तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है। तो उत्तर कोरिया ने हाल ही में जो है देश की नई बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है हार्सोंग 19, इसका जो है सफल परीक्षण हाल ही में की जो है किया, और उत्तर कोरिया भी इसके लिए दावा कर रही है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो है ये मतलब जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, ऐसा करके यहाँ पे जो है बोला जा रहा है ठीक है, जिसका सफल परीक्षण हाल ही में जो है किया गया इस बैलिस्टिक मिसाइल ठीक, जिसमें आपका 1000 से जो है मतलब जो है किलोमीटर तक जो है ये जो है उड़ने के लिए जो है भारी बहुत सारे जो है इसमें जो है डेवलप करके इसको डेवलप किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में भारतीय सेना के विशेष बल की जो टुकड़ी संयुक्त अभ्यास जो गरुड़ शक्ति में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है, तो आपका इंडोनेशिया में, तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा आपका इंडोनेशिया ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ हमारी भारतीय सेना के जो विशेष बल की टुकड़ी है संयुक्त अभ्यास जो गरुड़ शक्ति ठीक है, तो गरुड़ शक्ति जो एक सैन्य शक्ति अभ्यास है, जहाँ पर भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है, तो आपका इंडोनेशिया में। अगर इंडोनेशिया की मैं बात करूँ, कंट्री आपके साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत एक कंट्री आपके आती है, और मैं यहाँ की बात करूँ जकार्ता ठीक है, जकार्ता यहाँ की राजधानी है, इंडोनेशियन यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अभी हाल ही में यहाँ के जो प्रेसिडेंट जो है चेंज हुए हैं, यहाँ के राष्ट्रपति प्रभावो जो है सुबियांतो करके यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है ठीक है, जो अभी हाल ही में भारत के दौरे पर जो है आए हुए थे ठीक है ठीक है। तो यहाँ की जो राजधानी है जकार्ता में हमारे जो भारतीय सेना के ठीक है ये जो बल जो टुकड़ी है ठीक है, यहाँ पर अभ्यास गरुड़ शक्ति ठीक है जो भाग लेने के लिए यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं ठीक, एक नवंबर से 12 नवंबर ठीक, यहाँ पे इसका जो है आयोजन यहाँ पे किया जाएगा, ये जो है 9वां संस्करण ठीक है, जिसको आपको याद है गरुड़ शक्ति, ये आपके भारत और इंडोनेशिया के बीच ठीक है, इसमें जो है दोनों सेनाओं के बीच अभ्यास यहाँ पे किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है।
और विशेष बलों को, ठीक है, कौशल, ठीक है, हथियार, उपकरण, नवाचार को, इस पर जो है फोकस करना है भारतीय सेना को, जो मजबूत करने से एक दोनों देश के बीच के जो सेना को मजबूत करने, इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए, PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।